पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा तंज कस दिया। राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच जिस तरीके से सदन में बहसा बहसी हुई, नोकझोंक हुआ, अब उस पर तमाम पक्ष जो हैं, पक्ष के नेता अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि बीजेपी के MLC तो जदयू के मंत्री कहीं ना कहीं इस पर तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो है उनसे उनका धर्म पूछ लीजिए, धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दे दिया है, उनको झूठा बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी LOP के पद पर बैठे हैं, एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं और झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर झूठ बोलते हैं। उनसे पूछिए कि कौन से अधिकारी ने उनको फोन करके डराया है, वो जिस तरीके से सदन में बोलते हैं कि लोगों के बीच भय फैल गया है, लोगों का अपमान हो रहा है, अपमान तो वो करते हैं लोगों का, उनसे बड़ा झूठा LOP में कोई पैदा ही नहीं लिया है। राहुल गांधी सदन के बाहर झूठ बोलते हैं, सदन के अंदर झूठ बोलते हैं, उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा हमें जो नेता देश को मिला है कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष के रूप में। इसके बाद उनसे ये पूछा गया, वो ये बोले कि राहुल गांधी धर्म पर सवाल उठाते हैं, लोगों के जाति पर सवाल उठाते हैं, खुद के धर्म का तो कोई ठीक नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में हल्ला हंगामा किया है और अनुराग ठाकुर के बीच जो कुछ भी हुआ है, तो अब पक्ष जो है इस पर ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि राहुल गांधी हिंदू है या मुस्लिम, जरा उनसे जाके पूछिए जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर घेराबंदी कर दी है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आप खुद चल के सुनिए। मैं समझता हूँ देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर LOP हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक LOP नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। क्या बात है शर्मा जी, बड़े उदास लग रहे हैं। शॉप तो अच्छी चल रही है ना आपकी? क्या बताऊं वर्मा जी, मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस तो कर लिया है, लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि अपने बिजनेस के नाम से नॉन वुमेन बैग कहाँ से लेकर आऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। भाई ये तो बड़ा आसान है, इसके लिए बस एक बार जागृति इंडस्ट्रीज से कॉन्टेक्ट करो, जो कंकड़ बाग पटना में है। ये नॉन वुमेन बैग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई है। ये आपको सभी बिजनेस के लिए बढ़िया बैग्स प्रोवाइड करा देते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी फैब्रिक और फास्ट डिलीवरी के साथ आपको मिलते हैं। इनकी बेस्ट प्राइस, यूनिक डिजाइन तो देखते ही बनती है। मैं भी इन्हीं से ही तो बैग्स लेकर आता हूँ, साथ में अगर चाहो तो बैग पे प्रिंटिंग भी वहीं से करवा सकते हो। अरे वाह, क्या बात है, इनका नंबर है क्या आपके पास? स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करो या एड्रेस पर विजिट करो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।